होली का पर्व आते ही मिठाई की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आती है, पर होली के त्योहार को हंसी खुशी मनाने के लिए कुछ विशेष बातों को जानना बेहद आवश्यक है। इसलिए सेहत से जुड़े टिप्स दे रहे हैं डॉक्टर सक्सेना। डॉक्टर प्रतुल सक्सेना ने बताया कि हर त्योहार पर व्यंजनों का खासा महत्व होता है। होली ऐसा त्योहार है जिसमें मिठाई और मीठे से बच के रहना हम सबके लिए नामुमकिन है, और खासतौर से ये देखा गया है कि ऐसे समय पर जब डिमांड ज़्यादा होती है तो मिलावटी खोए की, मिलावटी मिठाइयों की तादाद मार्केट में बहुत बढ़ जाती है, और इसकी वजह से इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, दस्त लगना, उल्टियां आना, और ये बहुत कॉमन आजकल हो गया है। होली में मेरी सबको राय यही रहेगी कि जो भी खाएं शुद्ध खाएं, शुद्ध अपने हाथों से घर पर बना हुआ पकवान खाएं, और यदि कहीं बाहर जाते भी हैं तो हाथ में अगर यदि कलर्स लगे हुए हैं उन्हीं हाथों से ना खाएं, हाथ में सैनिटाइजर का प्रयोग करें। पर मिलावटी मिठाई आपके त्योहार का रंग फीका कर सकती है, इसलिए घर में बने हुए शुद्ध व्यंजनों का सेवन करें। अक्सर देखा जाता है लोग रंग वाले हाथों से ही व्यंजनों को खाते हैं, परंतु ऐसा करने से पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए त्योहार पर शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, आगरा।